हेलो गाइस, वेलकम टू विवा क्लासेस पार्ट टू। लेट्स कंटिन्यू, जिसमें हम लोग ग्रेजुएशन और लॉ से रिलेटेड वीडियोस को अपलोड करते हैं। आई होप आपको ये पसंद आती हूँ, तो आप अपना सपोर्ट जरूर करिए। तो चलिए, आज हमारे पास क्वेश्चन है यूपी लैंड रेवेन्यू एक्ट 2006 का। एक्सप्लेन द क्लासेस ऑफ टेन्योर अंडर सेक्शन 74 ऑफ यूपी जमींदारी अबॉलिशन एंड लैंड रेवेन्यू एक्ट। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप बात करेंगे तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मेन क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको क्लासेस के बारे में पता ही होना चाहिए, तो चलिए फटाफट से डिस्कस करते हैं। देखिए, अगर आप इस कोड से पहले की बात करेंगे, यानी 2006 के कोड से पहले बात करेंगे, तो इसकी टेन्योर की क्लासेस काफी ज्यादा हुआ करती थी। अब आपके पास वो जो क्लासेस हैं वो कहीं ना कहीं लिमिटेड होकर सिर्फ 4 क्लासेस में रह गई हैं। तो कौन सी क्लासेस हैं जो हमें इस सेक्शन 74 के अंदर पढ़नी है? तो है भूमिदार विद ट्रांसफरेबल राइट, दैट इज सेक्शन 75, भूमिदार विद नॉट ट्रांसफरेबल राइट सेक्शन 76, आसामी गवर्नमेंट लीजी। देखिए, ये क्वेश्चन ओवरऑल भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये अलग अलग करके भी आपसे पूछा जाता है। तो आपके लिए ये क्वेश्चन दो तरीके से आपके लिए इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट में भी पूछा जा सकता है अलग अलग कैटेगरी बनाकर, और ये पूरा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है अगर 20 मार्क्स की बात करी जाए, क्लासेस ऑफ टेन्योर अंडर सेक्शन 74। तो 4 क्लासेस हैं, भूमिदार विद ट्रांसफरेबल राइट, भूमिदार विद नॉन ट्रांसफरेबल राइट, आसामी और गवर्नमेंट लीजी। एक ओवरव्यू देते हैं और फिर इसको एक करके डिटेल में पढ़ते हैं। देखिए, भूमिदार विद ट्रांसफरेबल राइट मतलब वो मालिक है अपनी भूमि का, राइट। उसको किस तरीके से यूज करना है, चाहे उस पर एग्रीकल्चर एक्टिविटी करनी है, चाहे इंडस्ट्रियल एक्टिविटी करनी है, ये पूरे तरीके से ऑनर है इस लैंड का, और इसको सबसे हाईएस्ट कैटेगरी बोला जाता है क्लासेस ऑफ टेन्योर में। तो ये उस भूमि पर किस तरीके से उसका यूज करना चाहता है, पूरे तरीके से फ्री है, परमानेंट ऑनर है, उसे बेचना चाहे तो बेच भी सकता है, क्योंकि ट्रांसफरेबल का मतलब ही होता है कि वो उसे सेल कर सकता है, गिफ्ट कर सकता है, अगर वो चाहे तो एक्सचेंज कर सकता है, क्योंकि उसका राइट बनता है। दूसरा जो आपके पास आपको यहाँ भूमिदार नजर आ रहा है, भूमिदार विद नॉन ट्रांसफरेबल राइट, जैसा कि इसके नाम में है कि इसको भूमि मिली तो है, लेकिन कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस में मिली होगी कि इसका जो राइट है वो रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया कि ये उसको ट्रांसफर नहीं कर सकता, यानी इसको सेल नहीं कर सकता। उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। आसामी को आप दूसरे शब्दों में किराएदार भी बोल सकते हैं। अगर कोई भी इंसान, जब जैसे ये मान लीजिए ये भूमिदार है, ये जो आपके पास फर्स्ट पार्ट में हमने भूमिदार पढ़ा, अगर ये उस पे खेती खुद से नहीं करना चाहता, ये किसी को उसको लीज पे चढ़ा देना चाहता है या उसको टीनेंट के तौर पे किसी को रख लेना चाहता है, तो वो जो टीनेंट होते हैं, जो किराए के तौर पर काम करते हैं, उन्हें क्या बोला जाता है? इन जनरल लैंग्वेज अगर हम बात करें तो वो जो लीजी होते हैं, प्राइवेट लीजी की अगर बात करी जाए, तो वो आसामी होती है। अब इसी के अपोजिट में है गवर्नमेंट लीजी, यानी अगर स्टेट गवर्नमेंट ने किसी को जमीन जो है वो उधार पर दी है, लेट आउट की है कि आप इस पर खेती कर लीजिए, पब्लिक यूटिलिटी के अलावा अगर कोई भी और जमीन, अगर उसको जमीन दी है, तो ऐसे केस में वो जो इंसान है वो गवर्नमेंट लीजी कहलाता है और वो गवर्नमेंट के लीज एग्रीमेंट से गवर्न होगा, ना कि किसी और से। तो ये 4 लोग हैं, एक एक करके डिटेल में इनके बारे में पढ़ते हैं। भूमिदार विद ट्रांसफरेबल राइट, तो ये सबसे हाईएस्ट कैटेगरी है, जैसे कि हमने लिखा, इट इज द हाईएस्ट टाइप ऑफ टेन्योर होल्डर। इसका इंटरेस्ट कैसा होता है लैंड पर? तो हिज इंटरेस्ट इन लैंड इज ट्रांसफरेबल, यानी ये इसे बेच सकता है, चाहे ये इसे सेल के थ्रू बेचे, चाहे ये इसे किसी को गिफ्ट करे, चाहे ये इनहेरिटेंस के थ्रू आपके पास, जब हम इसे बात करेंगे, तो ये हेरिटेबल भी है, यानी जो इसकी प्रॉपर्टी है ये इसके आगे आने वाली पीढ़ी को ऑटोमेटिकली मिलती जाएगी। तो ये ट्रांसफरेबल भी है, यानी इसे सेल भी कर सकता है, गिफ्ट भी कर सकता है, एक्सचेंज भी कर सकता है। हेरिटेबल भी है, यानी इसके आने वाले जो भी जनरेशन होगी उसको ये प्रॉपर्टी ऑटोमेटिकली हेरिटेड हो जाएगी। परमानेंट मतलब ये इसका यूज जिस मर्जी पर्पज के लिए कर सकता है, ये इसकी ऑनरशिप का कंक्लूसिव प्रूफ है कि ये इसका ऑनर है, तो इसको लेकर कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता कि आप इसके ऑनर हैं या नहीं है। तो ये परमानेंट राइट है इस पर उसको प्रॉपर्टी का, टेंपरेरी राइट नहीं है कि जब मर्जी इससे राइट छीन लिया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा, नहीं। तो यहां पर इसका जो राइट है लैंड पर, जो इंटरेस्ट है, वो ट्रांसफरेबल है, यानी किसी को सेल कर सकता है, परमानेंट है, यानी इसकी ऑनरशिप पे कोई सवाल नहीं उठा सकता, हेरिटेबल है, यानी इसकी आगे वाली जनरेशन जो है ऑटोमेटिकली इस प्रॉपर्टी पर अपना राइट रखती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि ये इसका यूज किसी भी पर्पस के लिए कर सकता है, चाहे ये एग्रीकल्चर के लिए करना चाहे, चाहे ये इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए करना चाहे, चाहे यहाँ पे कॉम्प्लेक्स खोलना चाहे, चाहे यहाँ पे फार्म हाउस खोलना चाहे, यानी किसी भी पर्पस के लिए इसका इस्तेमाल कर सकता है, विद सम कंडीशंस आल्सो, एक्सेप्शंस आल्सो, जबकि परमिशन लेनी पड़ती है, जो भी आपके पास रेवेन्यू अथॉरिटीज है वहां पर उनकी परमिशंस आपको मेंशन करनी पड़ती है। तो यहां पर जो भूमिदार है वो असली ऑनर है और ये हाईएस्ट कैटेगरी है टेन्योर होल्डर की। इसके बाद कौन कौन इंसान जो है, कौन कौन पर्सन जो है वो भूमिदार पे ट्रांसफरेबल राइट बन सकता है, तो उसके बारे में सेक्शन 75 में बताया गया है। इस एक्ट के आने से पहले,
इस कोड के आने से पहले यूपी कोड 2006, जहां भी हम कोड लिख रहे हैं उसका मतलब है यूपी कोड 2006 जो रेवेन्यू कोड है, उसके आने से पहले अगर कोई पर्सन जो है वो भूमिदार भी ट्रांसफरेबल राइट से ही इसी नाम से जाना जाता था, तो वो इस कोड के आने के बाद भी भूमिदार भी ट्रांसफरेबल राइट ही कहलाएगा. तो एवरी पर्सन बिफोर दिस एक्ट और दिस कोड हु ऑलरेडी नोन एज भूमिदार भी ट्रांसफरेबल राइट शैल बी कॉल्ड सेम, यानी उसको अभी भी भूमिदार भी ट्रांसफरेबल राइट कहा जाएगा, उससे ये राइट नहीं छीना जाएगा. दूसरा, कोई भी इंसान अगर किसी अदर मैनर से ये राइट एक्वायर करता है, अब जैसे एग्जांपल के तौर पे ये भूमिदार भी ट्रांसफरेबल राइट किसी पर्सन को ये प्रॉपर्टी बेच देता है, प्रॉपर अमाउंट देकर उसने वो प्रॉपर्टी खरीदी, तो अगर भूमिदार भी ट्रांसफरेबल राइट बी को ये प्रॉपर्टी बेच देता है तो बी का जो राइट है यहां पर उसने एक्वायर करा, और यहां पर जो ये पर्सन है ये भी भूमिदार विद ट्रांसफरेबल राइट ही कहलाएगा. तो एवरी पर्सन हु इन एनी अदर मैनर सेल से गिफ्ट से हैज एक्वायर्ड सच राइट then he also called भूमिदार भी ट्रांसफरेबल राइट आफ्टर दिस एक्ट आफ्टर दिस कोड बाय द लैंड रेवेन्यू कोड जो भी हमारे पास 2006 है, राइट. तो या तो इस कोड के आने से पहले आप भूमिदार भी ट्रांसफरेबल राइट के नाम से जाने जाते थे तो अभी भी जाने जाओगे, आपका राइट आपसे छीना नहीं जाएगा, आपका राइट आपके पास रिमेन रखा जाएगा. इसके अलावा इस कोड के आने के बाद या इस कोड के आने से पहले अगर किसी भूमिदार भी ट्रांसफरेबल राइट ने किसी भी पर्सन को प्रॉपर्टी सेल करी है या गिफ्ट करी है या एक्सचेंज करी है तो उसका जो राइट है वो भी भूमिदार भी ट्रांसफरेबल राइट के नाम से ही जाना जाएगा. अब आपके पास अगर आप देखेंगे तो काफी सारे राइट्स हमने डिस्कस करे हैं भूमिदार भी ट्रांसफरेबल राइट में, इसको एक अलग वीडियो में डिस्कस करा है, बट फटाफट से एक रिवीजन के तौर पे याद कर लेते हैं कि वो किसी भी तरीके से इस प्रॉपर्टी का यूज कर सकता है, यानी राइट टू यूज है, राइट टू डिक्लेरेशन, यानी अगर वो कभी भी एग्रीकल्चर पर्पस से इसका कमर्शियल पर्पस में इस्तेमाल करता है तो उसके लिए उसको डिक्लेरेशन लैंड मैनेजमेंट कमेटी के द्वारा करवानी पड़ती है, तो ये भी उसके पास राइट है. ये इस प्रॉपर्टी को मोर्टगेज कर सकता है, यानी गिरवी रख सकता है अगर किसी का उधार लेता है तो. इस प्रॉपर्टी को ये ट्रांसफर भी कर सकता है जैसा कि इसके राइट में ऑटोमेटिकली है. ये इस प्रॉपर्टी को लीज पे भी चढ़ा सकता है, ये इस प्रॉपर्टी को एक्सचेंज भी कर सकता है, और ये इस प्रॉपर्टी को दान भी कर सकता है. तो ये सारे राइट जो है वो भूमिदार भी ट्रांसफरेबल राइट के पास ऑटोमेटिकली फीचर्ड है. दूसरा हमारे पास भूमिदार है भूमिदार विद नॉन ट्रांसफरेबल राइट. अगर आप देखेंगे तो यहीं पर सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये ट्रांसफर नहीं कर सकता. तो सेक्शन 76 में हमें बताया गया है इट इज द सेकंड मेयर टेन्योर होल्डर अंडर दिस कोड, और इसका जो इंटरेस्ट है वो कैसा है, हेरिटेबल. यानी अगर कोई भी भूमिदार जिसको इस तरीके से प्रॉपर्टी मिली है या लैंड मिला है और उसे भूमिदार विद नॉन ट्रांसफरेबल राइट कहा जाता है तो उसके बच्चे भी भूमिदार विद नॉन ट्रांसफरेबल राइट के तौर पर उस भूमि को आगे जो है हेरिटेबल कर सकते हैं. परमानेंट है, यानी आप उससे ये राइट छीन नहीं सकते कि वो नॉन ट्रांसफरेबल की जगह कुछ और बन जाए, तो वो नॉन ट्रांसफरेबल ही रहेगा. पर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इस प्रॉपर्टी को वो कभी भी बेच नहीं सकता. इसको लेकर रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं इस कोड के अंदर, और वैसे भी उसका नाम ही यही है कि वो इसे सेल के थ्रू, गिफ्ट के थ्रू, एक्सचेंज के थ्रू ट्रांसफर नहीं कर सकता. तो बाकी दोनों चीजें तो ठीक है, हेरिटेबल भी है, परमानेंट भी है, उसका ऑनरशिप क्लियर है कि वो नॉन ट्रांसफरेबल राइट वाला ही है, बट वो इस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर नहीं कर सकता. अब कौन से ऐसे पर्संस होते हैं जो भूमिदार भी नॉन ट्रांसफरेबल राइट बन जाते हैं, तो उनको लेकर हमें सेक्शन 76 में इसके बारे में बताया गया है. तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 76 फॉलोइंग क्लासेस कॉल्ड एज भूमिदार विद नॉन ट्रांसफरेबल राइट. सबसे पहले वो पर्सन जो इस कोड के आने से पहले, यानी लैंड रेवेन्यू कोड 2006 के आने से इमीडिएटली पहले इसी नाम से जाने जाते थे, यानी उन्हें भूमिदार विद नॉन ट्रांसफरेबल राइट कहा जाता, तो इस कोड के आने के बाद भी उनका अस्तित्व, उनका जो स्वामित्व है, उनकी जो ऑनरशिप है, उसे भी इसी नाम से बुलाया जाएगा, भूमिदार विद नॉन ट्रांसफरेबल राइट. सेकेंडली, इस कोड के आने के बाद अगर उन्होंने लैंड मैनेजमेंट कमेटी या भूमि प्रबंधन समिति से परमिशन लेकर, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन कराकर ये राइट एक्वायर किया, तो एवरी पर्सन हु इज एडमिटेड एज भूमिदार विद नॉन ट्रांसफरेबल राइट आफ्टर सच एक्ट बाय LMC और BPS, यानी लैंड मैनेजमेंट कमेटी और भूमि प्रबंधन समिति की परमिशन से, उसकी रिक्वायरमेंट, उसकी जो भी प्रोविजंस होते हैं उनको फुलफिल करने के बाद अगर किसी इंसान ने इस तरीके का राइट एडमिट किया है, उसको ये राइट मिला है, तो वो भी भूमिदार विद नॉन ट्रांसफरेबल राइट कहलाता है. इसके अलावा अगर किसी को भी यूपी भूधन योजना के तहत, जो कि जनरली गरीब लोगों को जो है जो संपत्तियां है सरकार की तरफ से दी जाती है, भूमि दी जाती है ताकि वो अपना जो है खेती कर सकें, तो अगर किसी को भी यूपी भूधन योजना के तहत इस कोड के आने से पहले या इस कोड के आने के बाद अगर कोई जमीन अलॉट करी गई है, तो वो जो टेन्योर होल्डर है वो भी जो है आपके पास भूमिदार विद नॉन ट्रांसफरेबल राइट ही जाने जाते हैं. तो सबसे पहले इस कोड से पहले अगर कोई भूमिदार विद नॉन ट्रांसफरेबल राइट था, दूसरा इस कोड के आने के बाद अगर उन्होंने ये राइट एक्वायर करा, तीसरा अगर यूपी भूधन योजना के तहत उनको ये जमीन मिली है, चौथा अगर यूपी इम्पोजिशन ऑफ सीलिंग होल्डिंग एक्ट,
यूपी इम्पोजिशन ऑफ सीलिंग होल्डिंग एक्ट के तहत अगर किसी इंसान को ये जमीन मिली है तो वो भी भूमिदार विद नॉन ट्रांसफरेबल राइट है। इस एक्ट के अंदर क्या है कि कोई भी इंसान यूपी के अंदर एक लिमिटेड लैंड से ज्यादा जो हेक्टेयर लैंड से ज्यादा नहीं रख सकता, तो उसके पास अगर उससे ज्यादा लैंड होती है तो उसे सरकार जब्त कर लेती है और उसे उन लोगों को दे देती है जो लैंडलेस है, जिनके पास जमीन नहीं है उनको दे दी जाती है। तो उसके तहत अगर किसी को जमीन मिली है तो उसका जो राइट है वो भी कैसा है, उसका राइट भी आपके पास किस तरीके का राइट कहलाएगा, भूमिदार विद नॉन ट्रांसफरेबल, यानी वो इस प्रॉपर्टी को आगे ट्रांसफर नहीं कर सकता। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लॉज है भूमिदार विद नॉन ट्रांसफरेबल राइट में कि अगर कोई भी पर्सन भूमिदार विद नॉन ट्रांसफरेबल राइट था, उसको जमीन दी गई थी चाहे सीलिंग होल्डिंग एक्ट 1960 के अंदर या यूपी भूधन योजना के तहत पब्लिक यूटिलिटी को छोड़कर, ये बात याद रखिएगा कि किसी भी इंसान को पब्लिक यूटिलिटी वाला जो लैंड है उस पर ये राइट नहीं दिया जाता राइट, तो उसको कन्वर्ट नहीं करा जा सकता। अगर वो भूमि दी भी गई है तो आपको एक आसामी के तौर पे ही दी जाएगी, भूमिदार विद नॉन ट्रांसफरेबल राइट नहीं दी जाएगी। तो एनी पर्सन हु हैज गिवन लैंड एक्सेप्ट रिलेटेड विद पब्लिक यूटिलिटी, यानी जिन पर जैसे कि गांव का कुआं हो गया जिसपे पब्लिक एट अ लार्ज का जो है इंटरेस्ट होता है, तो उनको छोड़कर अगर कोई भी जमीन जो है सरकार के द्वारा दी गई थी किसी को जिसका राइट था भूमिदार विद नॉन ट्रांसफरेबल राइट, अगर उसका इस तरीके का राइट था और उसका नाम जो है एनुअल रजिस्टर में भी मेंशन है, यानी खातूनी या खसरा जिसको कहा जाता है उसमें भी उसका नाम मेंशन है, तो अगर वो 5 साल तक इस लैंड को अपने पास रखता है, उस पर खेती करता है, तो उसका स्टेटस कन्वर्ट होके भूमिदार विद ट्रांसफरेबल राइट बदल जाएगा इस कोड के तहत विद सर्टन यू नो ऑब्वियसली एक्सेप्शंस। और अगर अब देखिए ध्यान से सुनिएगा, ये भूमिदार विद नॉन ट्रांसफरेबल राइट था, भूमिदार विद नॉन ट्रांसफरेबल राइट था, भूमिदार विद नॉन ट्रांसफरेबल राइट था, लेकिन इसका एनुअल रजिस्टर में नाम भी मेंशन है और इसने 5 साल तक इस पे खेती भी करी, तो इसको दे दिया गया भूमिदार विद ट्रांसफरेबल राइट का जो है स्टेटस दे दिया गया। अगर ये इस लैंड को बेच देता है इस स्टेटस को पाने के बाद, तो ये इस लैंड को कभी भी लीज पे वापस नहीं ले पाएगा, इसका ये राइट जो है वो सीज कर दिया जाएगा। बट इफ ही सोल्ड सच लैंड देन सीज टू गेट बैक ऑन लीज। तो ये पॉइंट थोड़ा सा आपको ध्यान से समझने की जरूरत है कि अगर कोई भूमिदार विद नॉन ट्रांसफरेबल राइट था और अगर उसका एनुअल रजिस्टर में नाम भी हो गया तो 5 साल तक अगर वो उसे इस्तेमाल करता है तो उसे भूमिदार विद ट्रांसफरेबल राइट में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, लेकिन इस राइट को गेन करते ही अगर वो इस प्रॉपर्टी को बेच देता है तो वापस वो उस प्रॉपर्टी को कभी भी लीज पे नहीं ले सकेगा। ये आपके पास इस कोड में मेंशन है। तो आई होप दोनों टेन्योर होल्डर आपको क्लियर हो गए। अब हम बात करते हैं आसामी की। तो ही इज द लोएस्ट कैटेगरी ऑफ टेन्योर होल्डर। तो आपके पास इसका जो इंटरेस्ट होता है वो कैसा होता है, हेरिटेबल, यानी अगर एक पर्सन आसामी है किसी भूमि पर तो उसकी जो आने वाली पीढ़ी है वो भी आसामी ही कहलाएगी, यानी हेरिटेबल है। ये ट्रांसफर नहीं कर सकता, बेच नहीं सकता और इसका जो राइट है वो परमानेंट नहीं है। यानी अगर कोई भी भूमि, जैसे कि हमने बताया था, कोई भी भूमिदार है उसने अपना लैंड जो है वो ए को सींचने के लिए, सिंचाई के लिए दिया कि भाई तू इस पे काम कर और तेरे को जो है जो भी इसका भत्ता बनेगा, जो भी तेरी वेजेस बनेगी वो हम तेरे को दे देंगे। अब मान लीजिए ए इसका आसामी है, यानी ए इसका टेन्योर होल्डर लीजी है, एक तरीके से किराएदार होता है ये, क्या किराएदार चेंज नहीं किया जा सकता? बिल्कुल किया जा सकता है। तो जो ए का ये जो उसको स्टेटस मिला हुआ है कि ये आसामी है, इसका जो ये रोल है इसे चेंज किया जा सकता है, तो ये परमानेंट नहीं होता, इसलिए इसको टेम्परेरी कहा जाता है। तो एक भूमिदार लेट हिज प्रॉपर्टी, तो अगर किसी भूमिदार ने किसी भी पर्सन को, लीजी को, अपनी प्रॉपर्टी लेट आउट करी है और उस पर खेती करवा रहा है, तो ऐसे इंसान को क्या बोला जाता है, लीजी बोला जाता है। और जो ये लीजी है, जो प्राइवेट लीजी है, इनको बोला जाता है आसामी। ठीक है, ये सब टीनेंट भी इसी के अंदर इंक्लूड है। तो आपके पास आसामी बेसिकली क्या हो गया, एक तरीके से प्राइवेट किराएदार जिसे जो है किराए पर रखा है भूमिदार ने। अब किन किन क्लासेस को आसामी कहा जा सकता है तो हम उसके बारे में भी पढ़ते हैं इस कोड के आने से पहले। अब देखिए ये बात बहुत कॉमन है, हर जगह लिखी हुई है। तो एनी पर्सन हु इज आसामी बिफोर दिस कोड, आफ्टर दिस कोड इज ऑल्सो नोन एज आसामी। तो अगर वो पहले आसामी था तो लैंड रेवेन्यू कोड 2006 के आने के बाद भी उसे आसामी का स्टेटस प्रोवाइडेड होगा, उसे छीना नहीं जाएगा। इसके अलावा आफ्टर द कोड अगर वो लैंड मैनेजमेंट कमेटी की परमिशन से आसामी बन जाता है तो भी वो आसामी है। इसके अलावा अगर किसी भी इंसान को एक लीजी के तौर पर किसी ने रखा है तो वो भी आसामी है। इसके अलावा अगर उसने आसामी का राइट इस कोड के तहत पूरा करके पाया है, यानी इस कोड के प्रोविजंस को पूरा करके अगर उसने आसामी का राइट एक्वायर करा है तो भी वो आपके पास आसामी है।
अब जो सबसे इंपॉर्टेंट क्लोज है आसामी में, उसे ध्यान से समझिएगा, अगर कोई भी भूमिदार है जो कि ट्रांसफरेबल राइट रखता है अपने लैंड पर और वो ल्यूनेटिक माइनर या इडियट है या डिसेबल्ड है, तो ऐसे केस में अगर वो दो साल तक, दो फसली ईयर, फसली ईयर क्या होते हैं, जुलाई से शुरू होते हैं 30 जून तक, दो फसली ईयर तक अगर वो खेती नहीं करता, यानी एग्रीकल्चर पर्पज के लिए इस्तेमाल नहीं करता उस जमीन को, तो जो लैंड मैनेजमेंट कमेटी है, जो भूमि प्रबंधन समिति है, वो उस लैंड को लेट आउट कर देगी जिस पर्सन को, तो वो जो लीजी होगा वो लीजी भी यहाँ पर आसामी ही कहलाता है। आई होप आसामी क्लियर हो गया। आसामी पे अलग से भी आपका जो है क्वेश्चन आता है, तो प्लीज इन्हें नोट्स के तौर पे जरूर रखिए ताकि आपको रिवीजन करने में आसानी हो। तो चलिए अब लास्ट है हमारे पास गवर्नमेंट लीजी। देखिए जो आसामी है वो आप एक जनरल लैंग्वेज में प्राइवेट लीजी बोल सकते हो, यानी मैंने अपना किराएदार रखा, लेकिन गवर्नमेंट लीजी वो लीजी है जिसे गवर्नमेंट ने लीज पे प्रॉपर्टी दी है, जिसे गवर्नमेंट ने लेट आउट किया है, यानी स्टेट गवर्नमेंट ने जिसे लेट आउट करा है उसे गवर्नमेंट लीजी कहलाते हैं। तो देखिए इट मींस अ पर्सन टू हूम लैंड हैज गिवन या लेट आउट बाय द स्टेट गवर्नमेंट। तो जो बेसिक डिफरेंस आसामी और इसमें आप देख सकते हो, उसमें आप कोई भी भूमिदार जो है वो अपनी प्रॉपर्टी को लेट आउट कर रहा है, लेकिन यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा अगर किसी भी पर्सन को जो है लैंड है लेट आउट करी जाती है उस पर काम करने के लिए, सिंचाई करने के लिए, कोई भी और काम करने के लिए, तो ऐसे पर्सन को गवर्नमेंट लीजी बोला जाता है। और जो ये गवर्नमेंट लीजी होता है ये टर्म्स एंड कंडीशन से गवर्न होता है, यानी सच लीजी इज नोन एज गवर्नमेंट लीजी, और इसके जो राइट्स और लाइबिलिटी हैं ये कोड के तहत गवर्न नहीं होते, ये जो गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और इस पर्सन के बीच में लीज एग्रीमेंट हुआ है उसके तहत इसके राइट्स और लाइबिलिटी गवर्न होते हैं, ना कि कोड के तहत। यानी अगर ये इन जो टर्म्स एंड कंडीशन को ब्रीच करता है तो ही इस पर एक्शन लिया जाएगा, यानी इसे इजेक्ट कब किया जा सकता है इस लैंड से, जब ये इन टर्म्स एंड कंडीशन को ब्रीच करता है जो एग्रीमेंट में लिखी है। तो ये जनरली नहीं गवर्न होता यूपी कोड 2006 के तहत, ये गवर्न होता है लीज एग्रीमेंट से। और अगर लीज एग्रीमेंट में ये लिखा है कि आप एग्रीकल्चर पर्पस के लिए ही जमीन यूज करेंगे और ये इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए यूज कर लेता है तो ऑटोमेटिकली इसे ब्रीच माना जाएगा। तो जो भी टर्म्स एंड कंडीशन उस लीज एग्रीमेंट में लिखी है उनको फॉलो करना इसके लिए मैंडेटरी है, ये गवर्नमेंट लीजी के लिए कंडीशन सबसे ज्यादा जरूरी है। तो आई होप आपको चारों तरीके के टेन्योर होल्डर क्लियर होंगे, भूमिदार विद ट्रांसफरेबल राइट, भूमिदार विद नॉन ट्रांसफरेबल राइट जो कि सेक्शन 75 और 76 में बताए गए हैं, फिर उसके बाद आसामी है और फिर उसके बाद गवर्नमेंट लीजी है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर लव एंड सपोर्ट, कीप सपोर्टिंग विभाग क्लासेस।